से पिता निवेदन करना चाहूंगा कि मैं दयानंद सरस्वती थे कौन। वही दयानंद सरस्वती महाराज के बारे में कहा जाता है कि वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। कहा जाता है वो सीन थे, सीकर थे, ट्रुथ रियलाइजर थे, ऋषि थे, मुनि थे, महात्मा थे, व्हाट वास ही। एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, वो देवदूत थे जो आए, जिन्होंने वेद का प्रकाश किया और हम सबको शिक्षा का सामान अधिकार करा। हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का कॉलेज में पदार्पण हुआ। उसके अतिरिक्त चार राज्यों के गवर्नर, एक राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर और इसके अलावा बहुत ही महान विभूतियों ने कॉलेज में आगमन किया, विभिन्न समय पर आगमन किया। हमारे कॉलेज को स्वच्छता में साल 2018 में प्रथम रैंक मिला रेजिडेंशियल कॉलेज कैटेगरी में। साल 2019 में भी हमें स्वच्छता में चंडीगढ़ के माध्यम से सिटीजंस इनिशिएटिव के तहत हमें भारत में तीसरा रैंक मिला। उसके अलावा प्रति वर्ष भारत की विभिन्न पत्र पत्रिकाएं जैसे कि इंडिया टुडे, द वीक, इनमें भी हमारी नेशनल रैंकिंग रहती है। आपने देखा होगा बाहर दीवार पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं इसके। तो ये रैंकिंग जो है, ये कॉलेज में जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है उसको ये बताती है। सन 2018 में 174 यूनिवर्सिटी पोजीशंस, टॉप 10 पोजीशंस हमारे कॉलेज को मिली, 174 टॉप 10 पोजीशंस। उसके अलावा स्पोर्ट्स में भी पंजाब यूनिवर्सिटी की ओवरऑल ट्रॉफी हमने 39वीं बार जीती, 39th टाइम ये वन द स्पोर्ट्स ट्रॉफी। युवा मेलों में भी हमारी बहुत सारी पोजीशंस आई, बच्चों ने बहुत सारे पुरस्कार जीते। इसके अलावा शोध में, इनोवेशन में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में हमने बहुत सारी उपलब्धियां पाई। ये सारी प्राप्तियां पाते हुए, इन सारी प्राप्तियों को करते हुए हम सब ने ये अनुभव किया कि दो चीजें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रही इस पूरे साल के दौरान। पहली जो चीज थी वो ये थी कि हमें अपने बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है वो बहुतायत में मिला। हमारे जीवन में बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनका सहयोग, उनकी अच्छी भावनाएं बहुत जरूरी है। जितना हम अपने बड़ों का आदर करेंगे, अपने माता पिता का, अपने अध्यापकों का और गुरुजनों का, जो भी हमारे लाइफ में जिससे भी हमें कुछ सीखने को मिले, जितना हम उसका आदर करेंगे उतना ही हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज थी जो हम सब ने महसूस की वो थी टीम वर्क। हमने मिलकर इकट्ठे काम किया। हमारे कॉलेज में 100 से भी ज्यादा कमेटियां हैं और उन सभी ने पूरी लगन के साथ जो जो काम जिसको दिया गया था उसने वो काम किया, इसीलिए हमें ये सफलता मिली। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम एक नए संकल्प के साथ इस वर्ष को शुरू करें। ये संकल्प आज सुबह सुबह ही मैंने अपने मन में धारण किया और मैंने स्टाफ ग्रुप्स में साझा किया। मैं चाहती हूँ आप इसको सुने और आत्मसात करें आने वाले वर्ष में, और इससे आगे भी हमने इसी लीक पर काम करते हुए आगे बढ़ना है। हे ईश्वर, आपने हमें जो कर्म करने को दिया है उसे हम तन, मन एवं पूर्ण निष्ठा से करेंगे और अपनी इस महान संस्था को महानतम बनाने के उद्देश्य से संधारणीय विकास के लिए नए प्रयोग तथा नव प्रवर्तन करते रहेंगे। हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देंगे तथा सनातन भाषा संस्कृत के पुनरुत्थान के लिए कार्य करेंगे। ईश्वर हमारे प्रयासों और कार्यों को सफल बनाएं और हमें नित नए आयाम छूने के लिए प्रेरित करें, और ये नया सत्र हम सब के लिए शुभ हो। अंत में मैं आप सबको स्वरचित एक कविता सुनाती हूँ, जो कि आमतौर पे हर ओकेजन पे मैं सुनाया करती हूँ। उस तरह की एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है। अच्छी बातें याद रहती हैं मुझे,
अच्छी बातें याद रहती हैं मुझे, नेमतों का हिसाब रखती हूँ, नेमत कहते हैं ब्लेसिंग्स को, चंद रिश्तों पे नाज है मुझको, कुछ दोस्त लाजवाब रखती हूँ, मैंने सीखा है पर्वतों से अटल रहना, मैंने सीखा है पर्वतों से अटल रहना, दरिया के पानी से पाई है रवानी, रवानी होता है बहना, दरिया के पानी से पाई है रवानी, बुलंद इमारतों के खंडहरों से जाना है, बुलंद इमारतों के खंडहरों से जाना है, कि शानो शौकत है आनी जानी, कि शानो शौकत है आनी जानी, महकी हुई हवा ये कहती है कि सूखे फूलों में भी खुशबू बसती है, बरगद के पेड़ की घनी छांव ही थके मुसाफिर की राह तकती है, जिंदगी एक खूबसूरत सपना है, जिंदगी एक खूबसूरत सपना है, इसमें हकीकत का रंग भरती हूँ, जो खो गया उसका कोई गम नहीं, जो मिला उसका शुक्र अदा करती हूँ, जो मिला उसका शुक्र अदा करती हूँ। अंत में मैं अपने आज के मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, विशेष रूप से आचार्य राजू वैज्ञानिक जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, पंडित दाऊदयाल शर्मा जी हमेशा बड़े अच्छे ढंग से बड़े अच्छे माहौल में वातावरण को हवामय कर देते हैं,